cause I can't see you anywhere. Hey, welcome back guys. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Ben 10 versus the Humorous Movie से related top 30 facts की. तो इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट फैक्ट्स जानने के लिए. सो लेट्स नो एक्स्ट्रा. और हाँ, मैं इस वीडियो में कोई भी काउंटिंग नहीं करूँगा फैक्ट्स की, लेकिन मैंने वैसे ही गिन लिए हैं, क्योंकि अगर मैं काउंटिंग करने बैठ गया इस वीडियो में तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी. और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट, बिकॉज मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने ये मूवी नहीं देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को एक हफ्ते बाद बना रहा हूँ ताकि आप में से ज़्यादा लोगों ने ये मूवी देख ली. और हाँ, मेरे इन फैक्ट्स को किसी ने भी कॉपी किया तो मैं कॉपीराइट जरूर लूँगा. अगर आप टॉप 10 फैक्ट की वीडियो कॉपी करें तो कर लो, लेकिन मेरे इस वीडियो को जो अंदर के फैक्ट है उनको कॉपी किया तो मैं जरूर लूँगा. तो चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, सबसे पहले बढ़ते हैं अपने फैक्ट की तरफ. तो फैक्ट नंबर 1, जो मैक्स 70 सोच रही थी कि एक एस्ट्रॉइड है जो कि अर्थ की तरफ आ रहा है और ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, दरअसल वो एस्ट्रॉइड नहीं था, वो दरअसल में एक स्पेसशिप थी, वो ही ब्लैक्स की स्पेसशिप थी, और इसी कारण से जो ब्लैक्स था वो अर्थ पर आ पाया था. देन सीजन 3 में हमने बेन ने ओमनिक्स में ओमनी किक्स की देखी थी, वो दरअसल में ओमनी किक्स की नहीं थी, वो बेन ने अपने ओमनिक्स में उल्टी की डाल दी थी जिसकी वजह से वो ओमनी किक्स की हो गई थी, लेकिन दरअसल में वो ओमनी नोट की थी, उसको उल्टा करने पर वो ओमनी नोट की बन जाती है. और ओमनी किक्स और ओमनी नोट फॉर्म में वो लगभग एक ही है, ओमनी किक्स फॉर्म में उसको कम फीचर मिलते हैं, ओमनी नोट में ज़्यादा मिलते हैं. नेक्स्ट फैक्ट यही है कि जब बेन स्पेस में जा रहा होता है, जिस टाइम पे वो जो ब्लैक्स था उसकी स्पेस से टकराने वाला होता है, उसमें एजमत होते हैं, वो बेन के ओमनी किक्स को अपने पास बुला लेते हैं, जिसकी वजह से जो बेन होता है उसका रास्ता कट हो जाता है, और जो ब्लैक्स की स्पेस होती है वो सींच लेते हैं, बेन 10 थोड़े नीचे होकर एजमत पास में चला जाता है. और हाँ, ये तो वैसे बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बात है कि जो ग्लीस होता है बेन का कजन, वो बेन की कार पर होता है जिसको ग्वेन चलाती है, और वही कार सुपर स्पीड में जो केविन होता है उसका पीछा करते हुए एक गेम में भी चली जाती है, तो आप सोच सकते हैं वो कितनी ज़्यादा तेज है. और जिसके मन जानते हैं कि जो बेन होता है वो एक पोर्टल में जाता है, वो पोर्टल दरअसल में जो इंकर्जर्स थे उन्होंने क्रिएट किया था ताकि जो बेन है वो उनके पास आ सके, और उसके बाद में वो उसे बिल गेट्स समझकर एक सजा दे पाए. और ट्रेटेक्स था, उसने आग में घी डालने का काम किया, जिसके हम जानते हैं कि ट्रेटेक्स कभी झूठ नहीं बोलता, उसने दरअसल में एजमन से सौदा किया था कि वो बेन किसी भी तरह से एजमन के पास में लेकर आएगा, और यही वो करता है कि जो बेन था उसको वो बिल गेट्स समझकर, मतलब बिल गेट्स को कर देता कि बिल गेट्स है, जब बेन गेट्स में चेंज होता है उसको वो बिल गेट्स बताया था कि बिल गेट्स है. और जिसके हमने देखा ही था ट्रेलर में कि जो बेन है वो रेड सूट पहनता है, वो दरअसल में रेड सूट नहीं होता है. इंकर्जन के पोर्टल क्रिएट होते हैं, मतलब जो पोर्टल का पिंक कलर होता है उसकी वजह से जो बेन का सूट होता है उस पर लाइटनिंग पढ़ने से वो ग्रीन की जगह पर रेड दिखने लग जाता है. जिसके हमने जो बिल्कुल थे उनके शिप में वॉल्ड क्रेवनेट को देखा था, और जो बेन कॉम्प्लेक्स था उसने इन सबको स्कैन नहीं किया, जिसके सब हम ये अंदाजा लगा सकते कि इनका और जो 5 इलियन मतलब जो गुड फ्री के साथ खेलिए थे उनको भी स्कैन नहीं किया था, मतलब उनका भी डीएनए बेन के कॉम्प्लेक्स में है, और जो गुड फ्री था वो वहाँ से भाग गया था नल वॉइड में बेन के ऑम्टिक्स को छोड़कर. तो इसके हिसाब से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बेन का ऑम्टिक्स है उसमें जो गुस्ट फ्रीक है वो बेन का ऑम्टिक्स में कैद नहीं, हमें ये देखने को मिला है. और जो गुस्ट फ्रीक की ओल्ड टीम होती है यानी कि वैम्पायर फ्रैंकेनस्टाइन बेन वुल्फ बेन मम्मी और गुस्ट फ्रीक, वो हमें इसमें देखने को नहीं मिली. इसमें कुछ न्यू कैरेक्टर हैं, इसकी आई गाय वाइल्ड मट और रिप जॉस इसमें ऐड कर दिए हैं, बाकी क्या बेन वुल्फ ओल्ड वाले और गुस्ट फ्रीक तो इसमें है ही है. और ये जितने भी होते हैं गुस्ट फ्रीक की टीम में ये सारे के सारे बिल्कैक्स के लिए काम करते हैं इस मूवी में. और हाँ, ये सारे के सारे जो एजमत होता है उससे डरते हैं, क्योंकि जैसे एजमत आता है वो कहता है कि इसे अकेला छोड़ दो, वैसे ये सारे के सारे उसे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये सब एजमत से डरते थे. और जो केविन है वो इस मूवी में अलग अलग ट्राइब के एलिमेंट चेंज होता है और बेन की मदद करता है, जब बेन अर्थ पर नहीं होता तब वही अर्थ को बचाता है. और हाँ, जो केविन की एंटीट्रेक्स होती है उसको दरअसल में केविन नहीं बनाता है, उसका ब्लू प्रिंट को जो बिल गेट्स होता है वो नल वर्ल्ड से भेजता है, जिसकी मदद से जो केविन होता है वो एंटीट्रेक्स को बनाता है, और जो बिल गेट्स होता है वही उससे बनाने को कहता है, और इसीलिए जो केविन की ऑम्टिक्स होती है उसको लेने के लिए बिल गेट्स एंड में आ जाता है. और हाँ, मैं बता दूँ जो एजमत थे वो नल वर्ल्ड में ही थे, इसी कारण से जो नल वर्ल्ड थे उसमें सब लोग एजमत से डरते थे, और जो एजमत होता है वो नल वर्ल्ड में रहते हुए भी जो बेन के ऑम्टिक्स होते हैं उस पर नजर रखते हैं, उसको कंट्रोल भी करते हैं. और हाँ, जो बेन होता है उसके लिए जो ग्रेविटी होती है आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है दरअसल, वो ग्रेविटी को भी जो एजमत होते हैं वही क्रिएट करते हैं और वही उसे कंट्रोल करते हैं इन रियल वर्ल्ड में. और हाँ, मैं एक और बता दूँ, जो बिल गेट्स होता है वो इस मूवी में दरअसल में एजमत का स्टूडेंट होता है, जब जो एजमत होते हैं वो काफ़ी सारे इन्वेंशन करते हैं, उसमें जो एजमत की मदद करता है वो होता है बिल गेट्स, और जो बेन का ऑम्टिक्स होता है उसको भी बनाने में बिल गेट्स मदद करता है, लेकिन इस मूवी में उसका मोटिव यही होता है कि वो इसके जरिए पूरे यूनिवर्स पर राज करे. और इसी कारण जो केविन होता है उसके पास में जो बिल गेट्स होता है वो ब्लू प्रिंट भेज पाता है, क्योंकि उसको ऑम्टिक्स के बारे में पता होता है. और हाँ, जो ट्रेटेक्स होता है वो ये सब सिर्फ पैसे के लिए करता है इस मूवी में, जो बेन होता है उसको ज्यादा पैसे के लिए है, क्योंकि जो
स्ट्रेटेक्स तब वो एजमस से सौदा करता है कि तुम मुझे पैसे दोगे मैं तुम्हें बैन दूंगा, और इसी कारण से वो ये सब करता है। लेकिन दरअसल में वो इस मूवी में भी बुरा नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, जो रिबूट वाला हॉन्टेक्स है उसमें एलियन को अनलॉक करना बहुत ही इजी है, बस पैटर्न ड्रॉ करना है और तुम्हें न्यू एलियन मिल जाएगा। लेकिन ये पता नहीं होगा वो एलियन कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, मतलब रेड के साथ गुस्सा होगा या फिर पावरफुल होगा या फिर वीक होगा। तो इसीलिए जो बैन है वो अब एलियन को अच्छे से अनलॉक कर पाएगा और जल्दी भी कर पाएगा। और जो बैन ने सबसे पहले एलियन अनलॉक किया था वो था गूप, और जिसके हम जानते हैं गूप का एंटीग्रेटिव प्रोजेक्ट है उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। लेकिन इसमें उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि अगर बैन का एंटीग्रेटिव प्रोजेक्ट है ज्यादा दूर है तब भी एंटीग्रेटिव प्रोजेक्ट है उसके लिए खींच लेगा। जैसे हमने देखा ही था मूवी में कि जो बैन होता है वो पोर्टल में जाता है गूप बनकर, लेकिन तब भी जो उसका एंटीग्रेटिव प्रोजेक्ट है वो पोर्टल में नहीं जाता और उसे दूर से खींच लेता है। और बैंड बचते हैं उस मूवी में जो मतलब उन्होंने बैंड के कॉम्प्लेक्स में एक टाइमर सेट किया था, उस टाइम में मतलब जो बैंड का टाइमर था उसके टाइम में जो बैंड है उसको एक टेस्ट पास करना था। लेकिन पता नहीं कुछ लोग मतलब कुछ बेवकूफ लोग इससे पहले ये मूवी आने से पहले उसको एक HDM मोड पर, लेकिन मैंने आपको ऐसे नहीं बताया क्योंकि मुझे आपको सही इन्फॉर्मेशन दिल में अच्छा लगता है। और जो टाइमर होता है उसमें जो बैंड है वो टेस्ट पास नहीं कर पाता, लेकिन वो रिप जॉस को बचाता है। इसीलिए जो बैंड टैंक में जो एजमत है उसने जो बैंड टैन है उसका ऑब्जेक्ट वापस कर दिया था। और मैं एक और बता दूँ, जो बैंड टैन का क्लोन है यानी कि ग्लिट्स, भले वो अपग्रेड बैंड टैन का क्लोन हो लेकिन वो है एक मेल, और जो हिंदी डबिंग है उसमें उसे फीमेल बताया गया है। अब जो भी हो लेकिन वो एक फीमेल नहीं है ये हम जानते हैं। और जो ग्लिट्स है वो रिलेटर सूट की तरह काम करता है, इसके हमने बैंड टैन डिस्ट्रॉयर रील में रिलेटर सूट देखा था उसी के तरह जो ग्लिट्स है वो भी काम करता है। और हम ये बात जानते हैं कि जो ग्लिट्स था उसको ब्लैक ने तोड़ दिया, लेकिन दरअसल में वो टूट तो गया था लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। एंड में हमें डॉक्टर सर्वेटी से कहते हुए देखने को मिलते हैं, मतलब उनके हाथ में ग्लिट्स होता है, वो कहते हैं कि मैं उसको संभालूंगा, मतलब ग्लिट्स हमें नेक्स्ट मूवीज में जल्दी देखने को मिलेगा। उन्हें मूवी के बीच में हमें देखने को मिलता है कि जो इंकर्जन का सिप है उस पर रेड डॉट्स होते हैं, बिकॉज वो खराब हो गया होता है और कभी वो ब्लेम करते हैं कभी वो शो नहीं करते हैं। इसी कारण से जो बैंड होता है वो उसको बचा तो लेता है लेकिन वो सही नहीं होती है, उससे अस्ट्रॉइड भी टकराता है। लेकिन मूवी के एंड में जब वो दोबारा देखने को मिलती है तब वो ठीक होती है, और जो अजमत होता है वो इंकर्जन के साथ में होता है। इसका मतलब यही है कि जो अजमत होता है वो इंकर्जन का सिप संभालता है, और इसी कारण जो इंकर्जन होता है वो बैन की भी मदद करते हैं। और हमें जानता हूँ कि बैन ने भी उनकी मदद की थी शायद इसलिए किया हो, लेकिन ये हमें देखने को जरूर मिला कि अजमत और इंकर्जन एक साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है हमें ये दोनों आगे भी एक साथ में काम करते हुए देखने को मिले। और जिसके हम जानते हैं कि जो बैन का ऑम्निक्स है उसमें ऑम्निक्स और ऑम्निओट की एक ही है, उसको उल्टा कर दो तो वो ऑम्निक्स की हो जाती है, अगर इसको सीधा कर दो वो ओमनी नॉट की हो जाती है। और यहाँ सिर्फ बैंड के ऑम्निक्स के साथ में होता है वो देखने नहीं मिला है, जब जो ब्लिगेस होता है बैंड के ऑम्निक्स से उसके ऑम्निक्स से ओमनीट की निकालता है और केविन के ऑम्निक्स में जाता है, और जो केविन का ऑम्निक्स है उसमें भी वो की काम कर जाती है। और जो ब्लिगेस होता है वो एंटी ब्लिगेस से एलियन बी के फॉर्म में चेंज होता है, यानी कि जो बैंड की ओमनीट की है वो केविन के भी ऑम्निक्स में काम करती है। हम जानते हैं उसमें भी मतलब ओमनी नॉट वाले या फिर ओमनी किक्स वाले फीचर होंगे। और जैसे हम जानते हैं कि जो केविन है और बैन है वो बैंड वर्सेस मूवी में एक साथ में काम करते हैं, एक साथ में वो बिल गेट्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, लेकिन जब बिल गेट्स केविन को दूर फेंक देता है उसके बाद में केविन का कुछ अतापता नहीं मिलता है, यानी कि वो नेक्स्ट मूवी का रेफरेंस है कि नेक्स्ट मूवी में जो केविन है वो कुछ बड़ा कांड करेगा। और जो एजमत होते हैं वो बैन के ऑम्निक्स से हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं, जिसके हमने दिखाई था कि बैन के ऑम्निक्स पर उनका जो फेस है वो शो हो रहा होता है और वो हमेशा ही बैन के ऑम्निक्स के कनेक्शन में रहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो बैन है वो पैटर्न बना के किसी भी एलियन को अनलॉक कर सकता है, लेकिन जब वो बेबी को चेंज हुआ था उसको 5 डॉट्स मिले थे, वो 5 डॉट्स में से टोटल उसने 3 डॉट्स का यूज किया था। उसके बाद में जैसे ही वो ट्रांसफर हुआ था वो ट्रांसफर हो गया था बेबी में, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता मतलब वो उन डॉट में से टोटल 5 डॉट्स का यूज कर लेता तो हो सकता है कि वो एलियन एक्स में चेंज हो जाता। अगर ऐसा होता तो हमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला था, लेकिन एलियन को उन्होंने अगले सवाल कर रखा है कि वो आगे भी दिखाएंगे। और जो ब्लिक एक्स होता है उसने केविन से कहा था कि इसमें अल्टीमेट फीचर है, यानी कि हमें नेक्स्ट मूवी में जो केविन है उसका अल्टीमेट एलियन देखने को मिलेगा, हो सकता है कि हमें जो बैन है उसके भी अल्टीमेट एलियन देखने को मिले। और हाँ मैं एक और बता दूं, जैसे सुपर फैन के सामने मूवी आई वो सोच रहे थे कि इसमें हमें कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन मिड क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला या फिर कोई भी नेक्स्ट मूवी का रेफरेंस देखने को नहीं मिला, तो मैं बता दूं इस मूवी के इंट्रो में हमें केविन बैन ग्वेन और मैक्स एक साथ में देखने को मिलते हैं, और जो बैन है उसको केविन परेशान करता है, यानी कि हमें एज ये पॉसिबल है कि आगे मूवी में केविन और बैन एक साथ में देखने को मिले, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमें जैसे कि देखने मिला है कि जो केविन है अच्छा बन गया, वो हो सकता है कि हमें आगे की मूवी में बैन ग्वेन केविन और मैक्स एक साथ में काम करते हुए देखने को मिले, मतलब बैन और केविन एक साथ में एलियन ट्रांसफॉर्म हो और एक साथ में
सारे दुश्मनों को खत्म कर। और हाँ, आप सोचोगे कि जो केविन है और जो बैन उनके पास में होमटेक्स है, लेकिन मैंने केविन, बैन, गोयन और मैक्स क्यों बोला, तो मैं बता दूं, मैक्स ने अभी भी अपने जो प्लम्बर वाले वेपन्स है उनको यूज नहीं किया, इसके एंड्रॉइड प्रोजेक्ट वगैरह। और जो गोयन, उसके अब तक जो मैजिकल एबिलिटीज है वो अनलॉक नहीं हुई है, तो हो सकता है कि हमें आगे की मूवीज में ये सब होते हुए दिखने मिले, यानी कि जो मैक्स है वो अपने प्लम्बर वाले वेपन्स को यूज करें और जो गोयन है वो अपनी एंड्रॉइड पावर को अनलॉक कर ले, ये हमें आगे दिखने मिल सकता है। तो आज की वीडियो यही तक, थैंस वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, और मेरे चैनल पर और भी वीडियोस हैं बैठे से लेटर जाकर देख लेना।